बात करेंगे असेंबली पॉइंट के बारे में और सेफ एग्जिट और सेफ एग्जिट पॉइंट के बारे में। कुछ अगर इमरजेंसी होता है साइड पे तो कैसे हम लोग सेफली बाहर निकल जाएं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हमको लिफ्ट से आना चाहिए या स्टेयरकेस से आना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी में? कौन जल्दी हमको नीचे पहुंचा सकता है? स्टेयरकेस। गुड। क्यों हम इस लिफ्ट से नहीं आएंगे भाई? क्योंकि अगर हम लिफ्ट से आ रहे हैं इनकेस ऑफ कहीं लाइट ही कट गया, उसमें इमरजेंसी बटन थोड़ी होता है, हाइड्रोलिक पर थोड़ी है कि नीचे तक ला देगा। उसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आता है, आप फोन करेंगे वो आएगा, फिर इलेक्ट्रिक देगा, तब ना आएंगे आप। उसमें ऐसा स्विच तो नहीं रहता ना कि आप टिप दीजिए वो नीचे आ जाएगा और फिर आप इस दिन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं रहता ना। आग लग गया उसके बीच में फंसा हुआ है तो अपने को ऐसे भी नहीं जाना है, पहले अपना सुरक्षा फिर किसी का सुरक्षा। इस तरह की उसको बचाने के चक्कर में हम ही जाकर उधर काम खत्म हो जाए। एक तो जा ही रहा है वो, फिर आप भी चले जाओगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया हुआ है और आप जाके उसको छू दिए, ऐसे भी काम नहीं करना है। पहले अपना सुरक्षा फिर दूसरे का सुरक्षा, हाँ उसको बचाना है, बट उसके लिए क्या सही तरीका है बचाने के लिए वैसे हमको काम करना है। ऑक्सीजन से वो बेहोश हो गया, आपको पता है कि वहाँ पे गैस वगैरह आ रहा है, तो आप भी जाओगे तो उसे बस निकल पाओगे? उसके लिए हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन स्काइबर स्कूबा लेके जाएंगे। तो स्काइबर होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, एक सिलेंडर आता है और वो हम तो सबसे पहले असेंबली पॉइंट क्या होता है कोई बताएगा क्या? सिर्फ जगह। असेंबली मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, और पॉइंट मतलब जगह। तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मतलब कि टोटली वो हजारी स्क्री एरिया होता है और एक मतलब कि पूरे टॉप ऑफ मैनेजमेंट टीम के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वो एरिया पूरा सेफ होता है इनकेस ऑफ कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, जैसे में फायर लग गया या फिर कोई इंसिडेंट हो गया या फिर अर्थक्वेक अगर आ गया या फिर कुछ भी ऐसा होता है इमरजेंसी, तो वहाँ पे हम लोग असेंबली होते हैं, वो जगह सेफ बनाया जाता है। तो असेंबली पॉइंट पे ही हम लोग इकट्ठा होने के लिए क्यों बोलते हैं? सेफ जगह रहता है। और सपोज आप लोग इसमें से हम लोग 20-30 आदमी हैं, सुबह में आते हैं तो हमको पता है ना कि हमारी टीम में 20 आदमी हैं, 15 आदमी हैं। अगर इन केस ऑफ कुछ इंसिडेंट हो जाता है असेंबली पॉइंट के बारे में पता नहीं रहेगा उसको, तो कहीं कहीं भागेगा, वो सब भाग जाएगा ना, भाग जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई वो कहाँ गया? इसलिए हेड काउंट करने के लिए आपके साथ, आपको पता है कि हमारा दोस्त है, दो गो है, दो तीन तो सबका क्लोज ही होगा एकदम पक्का है, उसमें से एक आपको नहीं मिला तो आप उसको फोन करेंगे, उसमें से एक नहीं मिला तो वो उसको फोन करेगा, कहाँ हो कहाँ हो। तो इतना 20 गो आदमी में 20 बार कॉल करेंगे तो 20-20 हाथ जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। उतना कॉल आप लोग कर पाएंगे तब जाके पता कर पाएंगे कि नहीं सबको सेफ है हमारा आदमी। बट अगर असेंबली पॉइंट हम बना दें वहाँ पे आप इनकेस ऑफ कुछ इमरजेंसी होता है तो आ जाएंगे, तो इजली काउंट कर लेंगे 10 मिनट में कि हमारा सभी बंदा ठीक है। अगर आप लोग उतना फोन करने में टाइम लॉस हुआ उतना देर में उधर इंसिडेंट हो जाएगा। हम लोग रेस्क्यू तभी कर सकते हैं उसका टाइम पीरियड, अगर कोई किसी गैस के या फिर ऑक्सीजन की कमी से या फिर किसी कारण अगर कहीं पे अनकॉन्शियस रूप में आ गया, वहाँ पे गिर गया है, तो उसको हम कुछ टाइम पीरियड के समय पर अगर हम नहीं बचाते हैं तो जी नहीं पाएगा। सपोज वो उसको हल्का सा आग का ही मतलब कि क्या बोलते हैं फ्लेम ही लग गया है, उसके जल गया बॉडी और वहाँ से उठ नहीं पा रहा है, तो उसको एक टाइम पीरियड तक ही बचा सकते हैं। वो उसका ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश पड़ गया है, अब उसको 2-4 घंटा छोड़ देगा तो काम खत्म हो जाएगा। अगर बेहोश हो गया तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको हम CPR वगैरह कर देंगे तो वो जी सकता है। उसको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, उठने लायक भागने लायक नहीं है बट उसका सांस चल रहा है, अगर उसको टाइम पीरियड तक उसको बचाएंगे तो बच सकता है, बट अगर उसको कुछ देर तक छोड़ देंगे तो वो नहीं बच पाएगा। अगर कोई गैस एक्सपोजर कर लिया है जिसके कारण वो बेहोश हो गया है तो उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है, उसको लिए बचाएंगे तो बच पाएगा, नहीं तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसे पता कर सकते हैं ना, सपोज हमारे साइड पे कोई गैस लीक हुआ तो सबको ही भागेगा, बट सपोज भागते टाइम उसको वो एक्सपोजर कर लिया तो वो तो वहीं पे गिर जाएगा। उसके लिए फिर रेस्क्यू टीम लगा के स्काबा वगैरह स्कूबा वगैरह लगा के हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा के जाके उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, तो आदमी बच सकता है। सपोज हाईराइज बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, कुछ भी मतलब अर्थक्वेक ही आ गया तो वहाँ पे आप तो हॉस्पिटल में या फिर हाईराइज बिल्डिंग वगैरह में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे कि लिखा होता है एग्जिट फायर, वहाँ पे सिंबल बना रहता है फायर का, वो फायर होज भी दिया रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया रहता है ना। तो उस केस में हम लोग को एक
एलिवेशन सॉरी क्या बोलते लिफ्ट होता है ठीक है, और एक स्टेयर केस होता है, दोनों दिया रहता है ना हाई रेज बिल्डिंग में, छोटा छोटा अगर 2-3 मंजिला होगा तो वहाँ पे नहीं रहता, बट अगर उससे ज़्यादा रहता है तो हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में या फिर हर जगह रहता ही है, तो उस केस में हमको लिफ्ट से आना चाहिए या स्टेयर केस से आना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी में, कौन जल्दी हमको नीचे पहुँचा सकता है? स्टेयर केस गुड, क्यों हम इस लिफ्ट से नहीं आएंगे भाई? क्योंकि अगर हम लिफ्ट से आ रहे हैं इनकेस ऑफ कहीं लाइट ही कट गया, उसमें इमरजेंसी बटन थोड़ी होता है, हाइड्रोलिक पर थोड़ी है कि नीचे तक ला देगा, उसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर आता है, आप फोन करेंगे वो आएगा फिर इलेक्ट्रिक देगा तब ना आएंगे आप, उसमें ऐसा स्विच तो नहीं रहता ना कि आप टिप दीजिए वो नीचे आ जाएगा और फिर आप इस दिन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं रहता ना भाई स्विच, जहाँ तक मैंने देखा है इसमें इमरजेंसी बटन उसमें नहीं रहता है, नहीं रहता ना, उसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, सिक्योरिटी का रहता है कि आप उसको फोन कर सकते हैं, सपोज आपका उस समय नेटवर्क ही काम ना करो, आपका फोन ही बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? तो इन केस ऑफ इमरजेंसी में कभी भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए हमको, स्टेयर केस से और उस भी बचा के। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा सपोज जो आग लग गया उसके बीच में फंसा हुआ है तो अपने को ऐसे भी नहीं जाना है, पहले अपना सुरक्षा फिर किसी का सुरक्षा, इस तरह की उसको बचाने के चक्कर में हम ही जाकर उधर काम खत्म हो जाए, एक तो जा ही रहा है वो फिर आप भी चले जाओगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है और आप जाके उसको छू दिए, ऐसे भी काम नहीं करना, पहले अपना सुरक्षा फिर दूसरे का सुरक्षा, हाँ उसको बचाना है बट उसके लिए क्या सही तरीका है बचाने के लिए वैसे हमको काम करना है। ऑक्सीजन से वो बेहोश हो गया, आपको पता है कि वहाँ पे गैस वगैरह आ रहा है तो आप भी जाओगे तो उसे बच निकल पाओगे, उसके लिए हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन स्कैबा स्कूबा लेके जाएंगे, तो स्कैबा होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस, एक सिलेंडर आता है और वो हमारे वो फेस में जैसे ना ऑक्सीजन देते हैं ना हॉस्पिटल में देखे होंगे वैसे ही रहता है, वो ऑक्सीजन देता है उसमें ऑक्सीजन रहता है और फिर एक छोटा भी है और नया, तो एस्केप करने के लिए या फिर कोई समझो वर्कर हाइट वाला टक गया है ठीक है, बचाना आता होगा तभी बचाएंगे भाई, ऐसा ना हो कि बचाने के चक्कर में उसका ही काम छोड़ दिए, वहाँ पे जाके सपोज हम जा गए तेजी में लटक गए और रस्सी ही काट दिए, लेन वाले लेन ही काटे पतला के जरा नीचे गिर के उसका काम खत्म हो गया, तो पहले नीचे से उसका सपोर्ट देंगे तभी ना काटेंगे भाई, इसलिए बोला जाता है कि जिसके काम के बारे में नॉलेज ना हो उसके बारे में नहीं करना चाहिए, एक दो दिमाग रहेगा लटका हुआ है जाके आप उसको काट देंगे, समझ में आया असेंबली पॉइंट क्या होता है और हम लोग क्यों बनाते हैं और इन इमरजेंसी में क्या करेंगे, वहाँ पे रूट दिया रहता है उसी रूट को फॉलो करेंगे तो आप इजीली निकल सकते हैं बाहर, इन केस ऑफ कोई भी अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग के आसपास नहीं रहना चाहिए, या फिर जब बहुत तेज बारिश आ रहा है आंधी आ रहा है तूफान आ रहा है तो किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए, पेड़ भी उलट सकता है। चलिए असेंबली पॉइंट में किसी को दिक्कत कोई डाउट क्यों बनाते हैं अब हम बात